वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और खबरों की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है भारत चीन की सेना के बीच जो आज वार्ता होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज बातचीत हो सकती है। बातचीत को लेकर मुद्दों पर हालांकि तस्वीर साफ हुई। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है। दोनों तरफ से हजार सैनिक जमे हुए हैं। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से कोई झड़प की खबर हालांकि नहीं है, लेकिन इस बीच बातचीत को लेकर कदम आगे बढ़ते हुए 15 जून के बाद से भारत चीन में झड़प नहीं हुई। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। भारत और चीन की सेना के बीच आज बातचीत मुमकिन है। LAC पर तनाव को लेकर दोनों देश की सेनाओं के बीच ये बातचीत होगी। सूत्रों से ये खबर हमें मिल रही है। LAC पर जिस तरह की टकराव की स्थिति बनी है उसे लेकर ये बातचीत, क्योंकि टेंशन अभी भी वहां बरकरार है। दोनों तरफ हजार की संख्या में सैनिक तैनात है दोनों देशों के, और ऐसे में जो कुछ हुआ है बीते हफ्ते उसे लेकर परिस्थितियां अभी भी बहुत सरल नहीं है। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर अपनी जगह प्रयास हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच रहे हैं जहां पर वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन चीनी नेताओं से वहां उनकी मुलाकात नहीं होनी है। अब ऐसे में कैसे दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे पटरी पर लौटेंगे ये देखना होगा। और वक्त हो गया है 100 खबरों का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।